सो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। कल हम पढ़ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और फोर लिम हैंड लिम में कौन से बोन होते हैं, रीजियंस और उसके जॉइंट्स के नाम देख लिए थे। तो आज देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल, लॉन्ग बोन मतलब लॉन्ग होता है, लंबा होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसमें एपिफाइसिस, डायफाइसिस ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए तो आप ह्यूमरस, ह्यूमरस, फीमर और फैलेंजिस। जी हाँ, फैलेंजिस भी होता है इसमें। उसके बाद देखेंगे इलॉन्गेटेड बोन्स होते हैं, और इलॉन्गेटेड बोन्स कौन से होते हैं, मतलब इलॉन्गेटेड बोन्स जो कि रिब, मतलब ऐसे टेढ़े होते हैं रिब्स, अपने रिब्स देखे होंगे। और उसके बाद थर्ड टाइप है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन तो मोस्ट कॉमन बोन्स है, जो कि स्कल में भी रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स। और स्कैपुला मेन एग्जांपल है इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखेंगे इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स मतलब जिसका शेप इरेगुलर होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ओके, इरेगुलर बोन्स एग्जाम्पल वर्टेब्रा आता है और कार्पस भी आते हैं, या फिर टार्सल्स भी आते हैं बोन। ओके, लेग के बोन। और उसके बाद शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन मतलब छोटे होते हैं बोन्स, कार्पल्स और टार्सल्स। ये इरेगुलर में भी आते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट बोन भी कहा जाता है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। टार्सल्स, उसके बाद निमेटिक बोन। निमेटिक बोन जो कि पोल्ट्री में होते हैं, मतलब हेन में, बर्ड्स में होते हैं निमेटिक बोन्स। इसके एग्जांपल लॉन्ग बोन्स ऑफ बर्ड्स, लॉन्ग बोन्स ऑफ बर्ड्स। उसके बाद सेवंथ वन देखेंगे स्प्लैंकनिक बोन और विसरल बोन। विसरल बोन जो कि स्पेशल, मतलब एक डिफरेंट टाइप के बोन्स, स्पेशल बोन्स। ये सिर्फ विसरल बोन्स, इसका नाम में विसरल बोन्स है क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्पेनिस ऑफ डॉग। ऑस्पेनिस ऑफ डॉग, डॉग के पेनिस में ये बोन प्रेजेंट होता है। उसके बाद ऑस ऑप्टिकस, ऑस ऑप्टिकस और ऑस कार्डिस बोविन, बोविन स्पेसिस में होता है, मतलब काउस में, ऑस्कारडिस इन बोविन स्पेसिस। ओके, तो इतना लिख लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखेंगे एट्थ वन, सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड बोन जो है वो बोन्स होते हैं लेग्स में मोस्ट, मतलब जैसे कि पटेला, आपने सुना होगा पटेला लेग बोन में होता है, मतलब नी जॉइंट फॉर्म करता है, वहाँ पे पटेला होता है, ऐसा छोटा सा कैप के जैसा, नी कैप के जैसा, वो बोन भी पटेला सिस्टमॉइड बोन है। ओके, उसके बाद आई थिंक बस इतने ही बोन है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सा, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके एग्जांपल याद कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो सर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गया, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछा ही जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। जब बोन पढ़ेंगे हम, एक एक बोन, इंडिविजुअल बोन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, पढ़ाई करेंगे एनाटॉमिकल, तो कुछ प्रोसेसेस और कुछ प्रोजेक्शन, कुछ डिप्रेशंस होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं वो आज पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर या फिर सरफेस ऑफ बोन, या फिर जो भी प्रोसेसेस होते हैं बोन पे, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब जो बाहर निकले हुए ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, और दूसरे डिप्रेशन, मतलब बोन में ऐसा डिप्रेशन होता है। प्रोजेक्शन में दो टाइप होते हैं, आर्टिकुलर मतलब जो कि बोन आर्टिकुलर होते हैं, मतलब अटैच होते हैं दूसरे बोन से, और नॉन आर्टिकुलर मतलब जो अटैच नहीं होते हैं। और इसमें भी सेम आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर होते हैं डिप्रेशन। ओके,
और प्रोजेक्शन में हम देखेंगे आर्टिकुलर में तो एग्जांपल जैसे कि हेड होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस, वो आर्टिकुलर प्रोजेक्शन है। और कोंडाइल, कोंडाइल होता है ह्यूमरस में, वो भी आर्टिकुलर प्रोसेस है। और ट्रॉक्लिया वो भी आर्टिकुलर प्रोसेस है। हम आगे पढ़ेंगे ये वो सभी सभी प्रोजेक्शन आएंगे, ह्यूमरस, स्कैपुला, रेडियस अल्ना सभी में एक ही आएंगे। और फैसेट ये भी आर्टिकुलर प्रोसेस है। और नॉन आर्टिकुलर में देखेंगे तो ट्यूबरोसिटी, मतलब ऐसे गोल, ऐसे राउंडेड शेप, ऐसे मतलब सूजन टाइप होता है, वो ट्यूबरोसिटी है। नॉन आर्टिकुलर मतलब वो अटैच नहीं होता है किसी भी बोन से। उसके बाद ट्यूबरकल, ये भी सेम ऐसा ही होता है प्रोजेक्शन। उसके बाद स्पाइन, स्पाइन जैसे कि स्कैपुला ऑफ स्पाइन होता है, तो उसमें वही वो भी एक नॉन आर्टिकुलर प्रोसेस है। उसके बाद प्रोसेसेस जो कि आप पढ़ेंगे वर्टेब्रा में, वो भी नॉन आर्टिकुलर प्रोसेस है। उसके बाद लाइन आती, लाइन, फिर उसके बाद रिज होते हैं कुछ बोन्स में, और क्रेस्ट जो कि वर्टेब्रा में देखा जाए तो नीचे क्रेस्ट होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। उसके बाद डिप्रेशन देखेंगे हम। उसके बाद हम डिप्रेशन देखेंगे। डिप्रेशन मतलब जो बोन में ऐसे मतलब ऐसे नीचे ऐसा होता है, वो डिप्रेशन है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर। तो आर्टिकुलर में देखेंगे तो एग्जांपल ग्लेनॉइड कैविटी जो कि स्कैपुला में होता है, तो ये भी मतलब डिप्रेशन है और जो दूसरे बोन से अटैच होता है, हेड ऑफ ह्यूमर से अटैच होता है, इसलिए ये आर्टिकुलर क्या है, डिप्रेशन है। और सेकंड वन देखेंगे तो ग्रू, ग्रू मतलब ऐसा कैनाल टाइप डिप्रेशन होता है, ऐसे दो बोन, दो सरफेस के बीच में ऐसे कैनाल टाइप होता है। थर्ड देखेंगे कोटिलेड प्रोसेस होता है, ये भी कैविटी होती है, सॉरी कैविटी जो कि डिप्रेशन होता है। और नॉच जैसे ट्रॉक्लियर नॉच, ये भी डिप्रेशन होता है जाके जहाँ पे ट्रॉक्लियर अटैच होता है, ट्रॉक्लियर नॉच कहते हैं, ये भी आर्टिकुलर डिप्रेशन है। उसके बाद नॉन आर्टिकुलर में देखेंगे एग्जाम्पल नॉच, ग्रू, इसमें भी सेम आते हैं, मतलब नॉच और ग्रू ये आर्टिकुलर भी है और नॉन आर्टिकुलर भी है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों में लिख दिया, तो ये दोनों में भी है। उसके बाद फोरामेन है, फोसा है, फोरामेन मतलब होल होता है, बीच में ऐसा होल होता है जैसे दो इसमें दिखता है। उसके बाद फोसा जो कि डिप्रेशन होता है, जैसे कि स्कैपुला फोसा है, स्कैपुला में हम आगे पढ़ेंगे। और केनाल, ये भी नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन है। और साइनसिस भी होते हैं बोन में जो कि नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन से, ये सब। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और हमने आज देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स देख लिया, और प्रोजेक्शन देख लिया, और डिप्रेशन देख लिया, आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर। सो इसको याद कर लीजिएगा, हम आगे पढ़ेंगे तो तब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स में ये प्रोसेसेस, ये डिप्रेशंस आएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम कल स्कैपुला देखने वाले हैं, और स्कैपुला बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन है, और बहुत ही मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये बोन्स बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। और ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे प्रोफेसर कहते हैं कॉलेज में, और सीनियर्स भी हम उनसे भी पूछे तो स्कैपुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। बाय।